अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। मैं हूं मीना शाह। आज है मेरे पास आई एम ऑसम। सैमसंग की तरफ से ये दो डिवाइसेस आई हैं हमारे पास जो ए सीरीज़ की हैं। आपको पता ही है कि जो ए सीरीज़ है सैमसंग की, ये ऑसम के टैगलाइन के साथ चल रही है। तो अब की बार है आई एम ऑसम और बॉक्स के ऊपर कुछ और नहीं है। तो ये दो डिवाइसेज हैं, एक है सैमसंग A12 और A11 से अपग्रेडेड वर्जन है ये A12, और एक है हमारे पास A02S। तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों डिवाइसेज हैं ये है बजट फ़ोन। सैमसंग की दोनों बजट डिवाइसेज हैं, इसके साथ प्राइस जो है वो काफ़ी रीज़नेबल होगी यकीनन, क्योंकि सैमसंग की जो ए सीरीज़ है इसमें जो बजट डिवाइसेज आती हैं इनकी प्राइसेस हमेशा रीज़नेबल रखी जाती हैं। तो अगर आप सैमसंग का कोई बजट फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो ये दो डिवाइसेज उन लोगों के लिए है। एक है एंट्री लेवल मैं कह सकती हूँ और एक है मिड रेंज डिवाइसेज। मुझे प्राइस से अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक A12 की बात है तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है तो वो है अराउंड 29,000, क्योंकि इसकी जो प्राइस मुझे पता चली है वो है 28,999 और इसकी जो है वो प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं A12 के। इसके साथ अगर मैं सैमसंग A02S की बात करूं तो अभी तक मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता और ना ही इसकी प्री ऑर्डर्स के बारे में कुछ पता है, लेकिन आज हमने इन दोनों डिवाइसेस के आपको फर्स्ट इंप्रेशन देने हैं कि ये दो डिवाइसेस कैसी हैं। लुक वाइज नो डाउट काफ़ी अच्छी हैं, लाइक आपको बिल्कुल बजट फ़ोन की वो जो लुक्स होती हैं उस तरह नहीं लग रही। अगर मैं A12 की बात करूं, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, तो जो A12 है ये काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है। ब्लैक कलर आपको दिया गया है, क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, मेन कैमरा है इसका 48 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा इसमें दिया गया है, और बाकी आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल रहा है, एक मैक्रो और एक डेप्थ लेंस मिल रहा है। इसके साथ इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, और ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 4GB ऑफ रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। इसकी प्राइस जो है वो अभी तक जो मुझे पता चली है वो 28,999 है, लेकिन 128GB वाला जो वेरिएंट है लेकिन 4GB रैम के साथ है उसकी जो प्राइस है वो है 32,999 एक्सपेक्टेड प्राइस। तो A12 के जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो है इसका कैमरा 48 मेगापिक्सल का, और इसकी बैटरी 5000mAh की बैटरी है विद 15W फास्ट चार्ज। इसमें जो आपको चिपसेट दिया गया है A12 में वो आपको MediaTek Helio P35 का चिपसेट दिया गया है। इसके साथ इसमें आपको मिलता है One UI 2.0 जो कि बेस्ड है Android 10 पे। जहां तक डिस्प्ले की बात है तो डिस्प्ले आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले IPS पैनल के साथ दिया गया है, और जो डिवाइस का जो साइज है वो स्टैंडर्ड है, लाइक ईजी है इसको होल्ड करना, कैरी करना, लुक्स भी अच्छी है इस डिवाइस की। और आपको फ्रंट पे दिया गया है Infinity V डिस्प्ले, तो इसकी मुझे लुक्स काफ़ी अच्छी लगी सैमसंग A12 की, जो कि ऑलरेडी सैमसंग A11 यूज़ कर चुके थे। तो अगर वो A11 को ही अपग्रेड करना चाहते हैं तो A12 उनके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, लाइक कैमरा, इसकी बैटरी और इसका डिस्प्ले। बाकी आपको वेरियंट्स भी दो मिल रहे हैं, तो सैमसंग A12 की अनबॉक्सिंग आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल तो ये अनबॉक्सिंग के लिए नहीं आया, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आया था जो कि हमने आपको देने हैं। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा फ़ोन है वो है सैमसंग A02S। अगर आपने A01 यूज़ किया है तो A02S में भी आपको इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। इसकी प्राइस मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें आपको दिया गया है Qualcomm Snapdragon 450 का चिपसेट, एक एंट्री लेवल चिपसेट इसमें दिया गया है। इसमें भी आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, और ये जो मेरे पास वेरिएंट है 3GB ऑफ रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। इसमें वेरिएंट्स वैसे काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी ये वेरिएंट आया है। अनबॉक्सिंग के लिए अब कौन सा आएगा ये तो तभी पता चलेगा। यहाँ पर आपको जो डिफरेंस मिलता है, इसके बैक साइड पे आपको एक पैटर्न सा मिल रहा है, प्लास्टिक बैक दिया गया है, सैमसंग की ब्रांडिंग है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहे हैं, मेन कैमरा है इसका 13 मेगापिक्सल का, और बाकी इसमें आपको दो लेंस दिए गए हैं, मैक्रो और डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। फ्रंट पे इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें आपको One UI 2.0 जो कि Android 10 पे बेस्ड है। तो यहाँ पर अगर मैं A02S की लुक्स की बात करूँ तो ये भी कहीं से भी एक एंट्री लेवल फ़ोन, एक बजट फ़ोन नहीं लग रहा। लुक्स इसकी अच्छी हैं, लाइक अगर आप सैमसंग ही यूज़ करते हैं और उसका एक बजट फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो लुक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि आपको बजट फ़ोन में इतने अच्छे लुक्स वैसे नहीं मिलते। बॉटम पे आपको मिलते हैं इसमें टाइप सी की पोर्ट, लाउड स्पीकर, ऑडियो जैक, एंड टॉप पे आपको मिलता है इसकी सिम स्लॉट। इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी यकीनन दिया गया होगा, लेकिन हम प्रॉपर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तभी इसको यूज़ करेंगे, रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा। इसका कैमरा टेस्ट करने हमें, लेकिन फिलहाल मैं इससे सेल्फी ले लेती हूँ, बल्कि दोनों ही से सेल्फी ले लेते हैं कि सेल्फी कैसी है, थोड़ा सा हमें आइडिया भी हो जाएगा कि 5 मेगापिक्सल से सेल्फी कैसे आती है।
पिक्चर में काफ़ी क्लैरिटी है और एक नेचुरल सी पिक्चर इसने दी है। तो सैमसंग A02s की प्राइस ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन जब मुझे जैसे पता चलेगी, जैसे कि मुझे A12 की पता चली है प्राइस, तो दोनों डिवाइसेज जो हैं वो लुक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, पाकिस्तानी मार्केट में आपको बहुत जल्द मिलेंगी। और मुझे लगता है कि जो A सीरीज़ है इनकी, वैसे ही आपको पता है कि काफ़ी हिट जा रही है बजट कैटेगरी में स्पेशली, तो देखेंगे कि इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है दोनों को। जैसे ही पाकिस्तान में आएंगी, अवेलेबल होंगी, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। A12 की तो प्री ऑर्डर स्टार्ट भी हो चुके हैं, लेकिन A02s की अभी तक मुझे इस तरह की कंफर्मेशन नहीं है। दोनों की अनबॉक्सिंग भी जल्द ही हमारे चैनल पे आएगी, तो अगर आपने हमारे चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।